नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार गौरव और आप देख रहे हैं आर्ट कैम्प हिंदी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने वेक्टर के लिए या फिर जो भी हमारा डिज़ाइन है उसके लिए हम टूल पथ क्रिएट कैसे करें। तो इनसाइड टूल पथ क्रिएट हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमारा जो एंड मिल रहता है, टूल रहता है, वो कभी 6 mm का रहता है, कभी रहता है 4 mm का। तो वो हिसाब से जो कटिंग एरिया लेता है, तो हमारा जो कट होगा वो क्या साइज का होगा। तो दोस्तों, यहाँ से हम सबसे पहले अपना साइज सेट कर सकते हैं। यहाँ हमें दिखाता है हमारे मॉडल का साइज क्या है और ओरिजिन किधर है, हमारी सीट की विड्थ कितनी है और हाइट कितना है। तो यहाँ MM में दिखाता है। और यहाँ से जो है, यहाँ से सेट करने के बाद उसके बाद उसको हम ओके कर देते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है, आप जहाँ पे इसको सेंटर पे लेना चाहें तो आप सेंटर पे ले सकते हैं इसको। और चेंज करने के लिए आप इंचेस में सेलेक्ट करके उसको इंचेस में सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद MM में कर दीजिए। सेंटर पे लेना चाहें सेंटर पे भी ऐसा ले सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग तो कॉर्नर पे ही लेते हैं, होम पोजीशन जो हमारा मशीन का रहता है कॉर्नर पे ही रहता है। कॉर्नर पे इजी गिरता है सेट करने में साइड का और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो ये हमारा पेज आ गया। अब यहाँ पर हम एक डिज़ाइन लेते हैं, ये हमारा कोरल ड्रा से डिज़ाइन है। इसमें दोस्तों मैं बताऊंगा कि हमारा कोरल ड्रा से किस फॉर्मेट में हम एक्सपोर्ट करें फाइल को, और किस फॉर्मेट में मतलब हम उसमें इंपोर्ट करें आर्ट कैम में। तो दोस्तों, यहाँ से हम सबसे पहले एक फुल डिज़ाइन ले लेते हैं, जो कि जिसका साइज़ हम रखेंगे 8 फिट बाई 4 फिट का, क्योंकि मशीन का भी साइज होता है 8 फिट बाई 4 फिट का। तो वो साइज़ लेने के बाद हम ये डिज़ाइन उसमें सेट कर लेते हैं। और इसमें हमें आप मतलब ये जो हमारा डिज़ाइन अभी जो रेडी होगा, ये डिज़ाइन हमें कैसा चाहिए, इसमें हमें जो लगने वाला है वो हमारे पास जो ब्लैक कलर का फील्ड अप एरिया है, जो ऐसा राउंड राउंड जैसा है, वो तो हमारा निकल जाने वाला है। और जो ब्लैक कलर का अभी कलर भरेंगे तो वो हमारा फील्ड अप एरिया रहेगा, तो वो एरिया जो है हमें चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारा वो साइज कम ना हो और बाहर का साइज भी बराबर रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है इसको अनग्रुप करके और वायर फ्रेम नन करके इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। इसको कोरल ड्रा से हम एक्सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ से हम चेक करते हैं कि हमारे नोट्स जो हैं, डिज़ाइन के जो वेक्टर नोट्स हैं, खुले तो नहीं। अगर वो खुले रहेंगे तो आर्ट कैम फाइल को एक्सेप्ट करेगा पर एरर बताएगा और टूल पथ क्रिएट नहीं होगा। अब हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं EPS फाइल। दोस्तों, क्या होता है कि आर्ट कैम कोई सा EPS लेता है, DWG लेता है और DXF लेता है। तो यहाँ से फाइल फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें मालूम है हमारा जो सॉफ्टवेयर है आर्ट कैम प्रो, तो वो जो है EPS फाइल लेता है और EPS भी लेता है और दूसरा फाइल हमारा DWG भी लेता है और दूसरा और कौन सा होता है, DXF भी लेता है। तो जो मतलब जैसा, एक बार चेक करना पड़ेगा, चेक करके आप देख लीजिएगा। हाँ, एडोब इलस्ट्रेटर फाइल भी लेता है, तो ये फाइल लेता है। तो ये फाइल हम सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे जो डोंट नॉट शो फिल्टर बॉक्स, ये इसके लिए बोल रहा है कि ये फिल्टर बॉक्स ऑप्शन तो नहीं दिखे इसके लिए। तो यहाँ से जो हमारा, यहाँ से भी अगर प्रॉब्लम कुछ आता है तो आप जो है इसका वर्जन चेंज कर सकते हैं, जो हमारा पोस्ट स्क्रिप्ट की फाइल जो रहती है। तो अभी मैंने ये एक्सपोर्ट कर दिया है। तो यहाँ से ये तो कोरल ड्रा से जो मैंने अभी एक्सपोर्ट किया वो ख़त्म हो गया समझो। अब हम जाते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर में आर्ट कैम में जाते हैं, जिसका मैंने पेज पहले से सेट करके रखा हुआ है, और वहाँ से हम इस फाइल को वही कर लेते हैं इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कर लेते हैं वहाँ से। तो हम इम्पोर्ट में जाकर वेक्टर डाटा सेलेक्ट करते हैं। वहाँ से ये ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक्सपोर्ट में हमें किया था। अब यहाँ से हम फाइल को ऑल फाइल कर देते हैं ताकि सारी फाइल शो हो, और यहाँ से हम अपनी फाइल को नाम डाल के सर्च करके जो है इंपोर्ट करेंगे।
और आप यहाँ से जिधर एक्सपोर्ट करना चाहे यहाँ से खोल सकते हैं। तो यहाँ से हमने नाम डाला और इसको ईपीएस फाइल हमारा जो है इसको ओपन कर लिया आर्टके में। तो ये तो हमारा फाइल ये स्टेटस दिखाता है दोस्तों, आप इस पेज के सेंटर पे लेना चाहते हैं या फिर ऊपर लेना चाहते हैं। तो ये सीधा सेंटर पे आ गया, ये पूरा पेज हमारा भी 8 फिट बाई 4 फिट का है और हमारी डिज़ाइन भी 8 फिट बाई 4 फिट की है, तो ये पेज पे सीधा आ गया। अगर नहीं आता है तो आप इधर मॉडल में जाके, सॉरी वेक्टर में जाके, ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे। वेक्टर में जाने के बाद उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम जो है 0 कर देंगे। अगर सेंटर पे करेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा, इसका सेंटर और पेज का सेंटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 0 किया एक्स और वाई, तो ये कोना और इसका सेंटर आ गया। अगर हम इसको साइड में लेना चाहते हैं तो एक्स वाई 0, ये साइड वाला 0 कर देते हैं और यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, तो ये बिल्कुल फिट टू फिट आ जाएगा। उसके बाद ये जो है इसकी जो भी ऑप्शन है, रोटेट करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं और डिग्री चेंज करना चाहते हैं तो डिग्री चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ दिखाता है हमें, एक्स वाई दिखाता है हमारा कितना है। रिजोल्यूशन आप मतलब इसका साइज स्केल कर सकते हैं, तो साइज़ कितना बड़ा हो गया, तो वो सब हमें करना नहीं है क्योंकि साइज इसको हमने पहले से ही कोरल ड्रॉ में करके रखा हुआ है। बस अब हमें अप्लाई कर देना है ट्रांसफॉर्मेशन को। ओके, अप्लाई करने के बाद इसको अभी ये ग्रुप में है हमारा जो फाइल है, ये वो वेक्टर ड्राइंग है वो हमारा ग्रुप में है। इसको हम अनग्रुप कर लेते हैं कंट्रोल यू से। तो ये जो है हमें ऐसा चाहिए, तो हम यहाँ पर जो हमारा टूल घूमेगा वो इस जगह पर घूमेगा, मतलब जो साइज कम होगा वो अंदर जो वेस्टेज माल है उसका साइज कम होगा। तो इस हिसाब से हमें फाइल बनानी है कि हमारा ब्लैक वाला जो साइज है बाहर का या अंदर का वो हमारा बिल्कुल राइट आवे, क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो इसके जो बॉक्स बॉक्स हैं वाइट कलर के, उसके अंदर हमारा कटिंग होगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको कर्सर से बता रहा हूँ, तो ये जो है वेस्टेज वाला वो वेस्ट करेगा, मतलब कि कटिंग एरिया जो है वेस्ट माल का लेगा, मतलब आपका साइज जो है हिलेगा नहीं। अब यहाँ से हमने जो है इसको अनग्रुप कर लिया है, हमें बाहर का तो काटना नहीं है क्योंकि पूरा सीट 8x4 का आता है। तो दूसरा यहाँ पर हमने इसको अंदर का जो मुझे काटना है उसको मैंने ग्रुप कर लिया है। अब इसको हम इनसाइड जो है टूल पथ क्रिएट करेंगे ताकि इसके अंदर का भाग कट के निकल जाए। तो यहाँ से हम गए, हमारे पास ये सेव टूल पथ, एडिट टूल पथ के ऑप्शंस हैं, टूल पथ ऑपरेशंस हैं, और यहाँ से 2D टूल पथ हैं, ये जो है 2D प्रोफाइलिंग में जो है यूज़ होते हैं। तो पहला हमारा जो है इनसाइड और आउटसाइड का है, तो हम इसमें आपको इनसाइड में बताते हैं। और इसमें हेल्प के लिए भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं हाइड हेल्प और शो हेल्प। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2D प्रोफाइलिंग क्रिएटेड टू टूल पथ मशीन अराउंड आइदर द इनसाइड, मतलब ये आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए है, आप इसको समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको पढ़ लीजिए, तो वहाँ पे सब बताता है, आपको लिखा रहता है कि ये टूल जो है ये ऑप्शन इसके लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों ये मैं देख चुका हूँ और इसको मैंने पढ़ा भी है, समझ चुका हूँ कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए होता है। तो ये फाइनल पास ये आपको लगभग ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमको ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप चाहें तो उसको भी समझ लीजिए। इसमें भी नीचे लिखा हुआ है कि किस में ये यूज़ होता है। आप इधर मैनुअल चाहें तो मैनुअल सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑटो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने अभी हाइड कर दिया हेल्प को, और यहाँ पे हमने अंदर का वेक्टर सिलेक्ट करके रखा है और उसको इनसाइड हमें कटिंग करना है, तो इनसाइड पर क्लिक किया मैंने। इनसाइड पर ऊपर लिखा है स्टार्ट डिफाइड, स्टार्ट डिफाइड में जो है हम जितना स्टार्ट डिफाइड करेंगे उतना चला जाएगा नीचे डीप, और समझो हमारा मटेरियल 12 mm का है तो वो हिसाब से हमें टूल पथ क्रिएट करना होगा। क्या हुआ, मैंने वापस से खोला ये,
ये पूरा यहाँ से फिनिश डिपैथ हम जो है जितना मटेरियल का थिकनेस रहेगा वो हिसाब से फिनिश डिपैथ हम इसको इंटर कर देंगे, तो जो भी है हमारा। उसके बाद अलाउंस हमें ज़ीरो रखना है, ये एक्स वाई को हिला देता है थोड़ा सा, और शो हेल्प से आप पढ़ सकते हैं किसके लिए होता है। और यहाँ से फिनिश डिपैथ डालने के बाद आपको फाइनल पास और इस पर क्लिक करना नहीं है। दूसरा, यहाँ पर मशीन से एफजेड जो है हमारा कितना रहना चाहिए कि वहाँ से मशीन उठ के चले तो कितना चले, तो सेफ जेड हम रख देते हैं 15 mm, और एक्स वाई को हम 0 रख देते हैं। होम पोजीशन पे हम 30 mm रख देते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं आपके हिसाब से जितना आपको चाहिए। ये रखने के बाद फिर हम जो प्रोफाइलिंग हमारा प्रोफाइलिंग टूल है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम जो है इसको फिर हाइड किया, और यहाँ से हम अपना प्रोफाइलिंग टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। टूल यहाँ पर हमारे 2D रफिंग के जो दिए हुए हैं वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो आपको चाहिए, और नहीं दिया हुआ है तो हम ऐड टूल करके उसको क्रिएट कर लेते हैं, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। और ये यहाँ से हम जो भी हमें चाहिए एंड मिल वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ से 6 mm चाहिए या फिर 4 mm चाहिए, जितना चाहिए उतना हम कर लेते हैं। तो यहाँ हमें जो है मान लीजिए हमें 6 mm डालना है, सारे दिए हुए हैं हमारे पास। 3D फिनिशिंग का भी है, वी बिट कर्विंग का भी, ये टूल जो है हमारे पास रेडी रहते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ से जो है 6 mm का हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें सिलेक्ट करने के बाद ओके कर सिलेक्ट कर देते हैं। ये सिलेक्ट हो गया तो इसमें ऑप्शन दिखता है स्टेप पावर। स्टेप पावर एक्चुअली ये इंग्रेविंग में होता है कि हमारा स्टेप टूल कितना पहले रफ़ करे, फिर कितना रफ़ करे, फिर उसके बाद स्टेप में कितना रफ़ करे। तो ये हमारा अभी कटिंग है तो इसमें जो है ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो उसको 0 कर देते हैं। उसको 0 करने के बाद फिर स्टेप डाउन जो हमारा रहेगा वो हम क्लियर करेंगे कि हमारा मटेरियल क्या थिकनेस है। तो हमारा मटेरियल जो थिकनेस है कि हम एक बार में कितना देंगे तो ये कितने बार में बनेगा जाके। तो अभी जैसे हमारा मटेरियल 12 mm है तो यहाँ पर स्टेप डाउन हम 6 mm डाल देंगे, तो इससे क्या होगा 6 6+6 हो जाएगा 12 mm। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा 2 पात में हो जाएगा। दूसरा, ये फीड रेट है mm प्रति सेकेंड। हमारा ये फीड रेट होता है कि एक जो है विक्टर या फिर एक मतलब कोई भी टुकड़ा कट करने के बाद हमारा जो जब स्पिंडल या मशीन का जो भी स्पिंडल रहता है वो ऊपर उठ के क्या स्पीड में दूसरा प्रोग्राम कट करने जाए, तो वो हम यहाँ से डाल देते हैं कि हमारा 100 mm पर सेकेंड से चले। और प्लंग रेट जो होता है जब भी जेड होता है प्लंग रेट, कि मशीन जब भी नीचे आता है मटेरियल में जब भी इंटर करता है तो वो इंटर करे क्या स्पीड से। क्या होता है कि हम यहाँ पर जब स्पीड ज़्यादा डाल देते हैं तो कभी कभी हमारा जो एंड मिल रहता है ना तो वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा डालने की वजह से। तो प्लंग रेट जो है हम कम डालते हैं, मटेरियल हार्ड है तो कम डालेंगे ताकि जब मटेरियल में इंटर करेगा तो उसको स्पीड कम रहेगा तो उसको टूटने या फिर क्रैक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ये हमारा है स्पिंडल। स्पिंडल हम कितना RPM रखते हैं, मतलब स्पिंडल का स्पीड क्या रखेंगे, ये भी लगभग मशीन के हिसाब से तो लगभग क्लियर होता है, लेकिन कभी कभी हम कोई हार्ड या फिर सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि अगर हार्ड कर रहे हैं तो हम प्लंग जो स्पिंडल स्पीड है RPM जो है उसको थोड़ा हम बढ़ा देते हैं 2000 या 3000, तो वो क्या थोड़ा तेज़ घूमता है। तेज़ घूमने से जो है मशीन पे लोड कम आता है और हमारा कटिंग इजी से हो जाता है और जो है रफ़ भी नहीं होता है, अच्छा कटिंग हो जाता है। तो ये RPM वहाँ पे हम बढ़ा देते हैं। और सॉफ्ट में हम बढ़ाएंगे तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं है, बढ़ा सकते हैं, लेकिन मशीन के ऊपर है। अब यहाँ पर आ गया टूल नंबर 1। ये दोस्तों इसलिए दिखाता है टूल नंबर 1 कि आप कभी कभी हम जो है दो टूल का या फिर दो स्पिंडल वाली मशीन जो रहती है उसमें दो दो टूल यूज़ होते हैं, तो हम टूल हमने एक ही सिलेक्ट किया है तो 1 ही सिलेक्ट रहेगा।
और अगर जैसे टूल पथ बना रहे हैं फर्स्ट टूल पथ के लिए, तो सेकंड यहाँ से वन और टू मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम जो टूल पथ अपना क्रिएट करें वो फर्स्ट के लिए करें या सेकंड के लिए, तो उसको आपको देखना नहीं है। अब दूसरा कटिंग डायरेक्शन आप देख लीजिए दोस्तों, ये डायरेक्शन हमें इसलिए दिखाता है कि ये हम जब टूल पथ क्रिएट कर चुके होंगे उसके बाद में हमें एरो दिखाएगा कि हमें कटिंग जो करना है वो क्लाइंब मिल में करना है कन्वर्जन में। सॉरी दोस्तों, अभी ये थोड़ा बिजी हो गया मैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पर हम क्लाइम मिल रख सकते हैं। अगर आप जो भी सिलेक्ट है पहले से वो भी रहने देते हैं कुछ, तो भी कुछ फ़र्क नहीं है। और यहाँ पे सिक्वेंसी देख लेते हैं कि हम जो हमारा कटिंग डायरेक्शन है मतलब कहाँ से कैसा मशीन चले, तो ये दिया हुआ है लेफ्ट टू राइट चलाना चाहते हैं, राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू टॉप, या फिर टेक्स्ट ऑर्डर पे रखना चाहते हैं, या ऑप्टिमाइज रखना चाहते हैं कि मशीन अपने हिसाब से चले, तो यहाँ से हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद हमें नीचे ऑप्शन मिलता है, नीचे ऑप्शन मिलता है मटेरियल थिकनेस का। तो ये हमें पूछ रहा है कि हमारा मटेरियल थिकनेस क्या है, और ये जो लॉक स्टार्ट पॉइंट है ये रखते हैं क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहीं से स्टार्ट हो जहाँ पे हमारा होम पोजीशन हो, तो इसलिए ये लॉक रखते हैं। यहाँ पर हमने मटेरियल थिकनेस सिलेक्ट कर दिया 12 mm, और इसके बाद टूल पथ क्रिएट 2D प्रीव्यू प्रीव्यू करेगा ये, मतलब जो क्रिएट होगा वो दिखाएगा कि हमारा ये क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर नाव किया, अभी हमारा इनसाइड टूल पथ क्रिएट हो गया। तो ये अभी जो हम देख रहे हैं हमारा शो कर रहा है कि जो घूमेगा तो वो किधर से किधर घूमेगा, ऐसा घूमेगा और इसके अंदर घूमेगा क्योंकि हमने इनसाइड टूल पथ क्रिएट किया, मतलब हमारा बाहर का साइज एक्चुअल साइज मिलेगा, जो भी वेस्ट जाएगा वेस्ट मटेरियल में से वेस्ट जाएगा। तो ये जो इसके और इसके बीच में जो जगह दिख रही है वो हमारी जगह जो है टूल इस जगह पर चलेगा और ये जगह खा जाएगा, मतलब ये रफ हो जाएगा। फिर ऑप्शंस हैं ये सब, ये क्रिएट होने के बाद हम जो है टूल पथ में जाके सेव टूल पथ सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद ये कैलकुलेट टूल पथ है और इधर जो है टूल पथ टू शेप टू सिंगल फाइल, ये सेव करने के लिए। तो हम फाइल को एरो से ये इधर ले लेते हैं, और इधर लेने के बाद हम नीचे से हम ये देखते हैं कि हमारा मशीन किस फॉर्मेट में फाइल लेगा। तो ये जी कोड एमएम टैब जो लिखा हुआ है, आपका अगर फॉर्मेट दूसरा लेता है तो आप यहाँ से फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, जो भी आप जो फॉर्मेट में आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ से वो सिलेक्ट कर दिया और हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद क्लोज करेंगे इधर, और फिर सीधा हम मशीन के सॉफ्टवेयर में जो भी रिमोट या जो भी रहता है उसमें एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको अनलोड और लोड करके जो है कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो आप दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।